तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ तीन ऐसी क्रॉप्स के बारे में जिनको उगाना है बहुत ही आसान, और अगर आपने उनको सही समय पे सही सीजन में लगा दिया तो वो आपको अच्छी खासी कमाई देके जाएंगे। तो पूरी जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो पहली क्रॉप है टमाटर। तो इसको अगर आप सही समय पे लगा देंगे तो ये आपको लंबे समय तक मुनाफा देगी। अभी फिलहाल मार्केट में इसका रेट बहुत ज़्यादा है, अगर आप रिटेल की बात करें तो 150 से 200 रुपये किलो अभी इसका प्राइस है। तो हमने इसको लगा दिया था जुलाई में। इसकी पौध करने के बाद आप 90 से 120 डेज तक इससे हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो ये मैंने अपने फार्म के सारे ही बेड टमाटर के लगाए हुए हैं क्योंकि अक्टूबर महीने में इसका रेट बहुत ज़्यादा होता है। मैंने 7 इसकी अभिलाष वैरायटी लगाई है क्योंकि ये फैलने वाली वैरायटी है और इसमें एक पौधा कम से कम 15 से 20 किलो का प्रोडक्शन देता है। तो इसमें पूरा खेल टाइमिंग का है। अगर आप सही समय पे सही सीजन में इसकी पौध कर लेते हैं, उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं और अच्छे से आप इसकी देखभाल करके प्रोडक्शन लेते हैं तो आप इससे काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्रॉप आती है खीरा। खीरा एक शॉर्ट टर्म क्रॉप है, आप 35 से 40 दिन में इससे हार्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ये 3 से 4 महीने की क्रॉप है तो आप इससे लाखों में कमा सकते हैं। एक एकड़ में करीबन 8,000 पौधे आते हैं और आप एक पौधे से 3 से 4 किलो का प्रोडक्शन भी निकालेंगे तो आराम से 30 से 35 टन माल निकलता है। और आप उन्हें एवरेज भी लेके चलेंगे तो 7 से 8 लाख आपके कहीं नहीं गए। तो आप अपने खेतों में खीरा लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाइए। तो इसमें अगर आप ओपन फील्ड में करना चाहते हैं खीरा तो उसकी वैरायटी अलग आती है, आपको वो वैरायटी चूज़ करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास पॉली हाउस है तो पॉली हाउस के लिए तो कई सारी वैरायटीज़ है आज की डेट में, और आप पॉली हाउस में लगा के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करके लाखों में खेल सकते हैं खीरा लगा के। और तीसरी क्रॉप है फूल गोभी। तो फूल गोभी की भी अर्ली वैरायटीज़ आप लगाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। आप इसकी जुलाई में बीज लगा के पौध कर लीजिए, फिर उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए 1 महीने की पौध को, और इस मंथ में अक्टूबर में अगर आप हार्वेस्ट लेना चालू कर देते हैं तो अभी इसके रेट बहुत ज़्यादा है और आप गोभी लगाकर भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी लेट कर दिया, आप लेट विंटर्स में पहुंच गए तो सभी किसानों की गोभियाँ चालू हो जाएगी, आपको रेट नहीं मिलेंगे। तो आप अगेती फसल लगा के सीजन के कंपेरिजन में 4-5 गुना ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर, और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।